हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आपको मलाई से घी बनाना बता रही हूँ। ये मैंने मलाई को जार में डाल लिया है, इसको हम ब्लेंड करके मक्खन निकालेंगे। चलो हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये मैंने ब्लेंड करके मक्खन निकाल लिया है, इसको हम जल्दी से गैस पर रख देते हैं और फिर इसको मेल्ट होने देते हैं। फिर देखते हैं, अगर आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ये हमारा मक्खन देखिए मेल्ट होने लग जाएगा, अभी मैं दिखाती हूँ। ये मेल्ट होने लग गया है, अब इसको हम थोड़ा 10-15 मिनट और पकाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें एक चीज़ डालेंगे। ये देखिए हमारा मक्खन काफ़ी अच्छे से पक रहा है। ये मैं इसमें एक चम्मच चावल डालूँगी, जिससे हमारी ये कढ़ाई ना चिपके ना लगे और हमारी कढ़ाई धुलने में भी आसानी से धुल जाए, हमें कोई दिक्कत ना आए। ये हमारा घी बनना लग गया है, अब इसको हम चलाते रहेंगे। जितना हो सके अपनी कढ़ाई में, मोटी तले की कढ़ाई में घी बनाएं, इससे हमारी कढ़ाई बिल्कुल भी गंदी ना रहे। ये मेरा घी पक गया है, इसको हम और अच्छे से देख लेंगे, थोड़ा और पकेगा, इसको 5 मिनट और लगेगी। ये देखिए अब मेरा घी बनने लग गया है, अब मैं घी को ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये मेरा घी ठंडा हो गया है, अब इसको हम साफ अच्छे से कंटेनर में डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी कढ़ाई कैसी हुई है और मेरा घी। ये मेरा घी देखिए, ये मेरा घी निकला है और ये मेरी कढ़ाई भी देख लीजिए कैसी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए मेरी ट्रिक आपको कैसी लगी। अगर आपको और ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में करके बताइए।